तो हेलो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ ज्ञान भाई और श्रेय के बीच में जो भी है मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है गाइस, उसके बारे में मतलब फुल एकदम एक्सप्लेन करूँगा गाइस आपके बारे आप लोगों को, ठीक है गाइस। सो गाइस, हुआ क्या मतलब स्टार्ट कैसे हुए कंट्रोवर्सी की, एकदम श्रेय का वीडियो आता है कि ज्ञान भाई ने मतलब वो बोलता नहीं है कि इसने मतलब ज्ञान भाई ने कॉपीराइट मारा, वो बोलता है अपनी वीडियो में कि गैस मेरे को 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुके हैं और मेरा चैनल 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, रोके ऐसे बोलते हैं। सो गैस, उसके नीचे हमारे स्काई बाई स्काई लोड कमेंट करते हैं कि ज्ञान सुजान मतलब कि ज्ञान सुजान ने मतलब स्ट्राइक मार दी विदाउट एनी रीज़न, ठीक है गैस, विदाउट एनी रीज़न बोल दिया सीधा खड़े मुंह कि ज्ञान सुजान ने तुम्हें मार मतलब कोई भी बेस के हिसाब से नहीं। सो गैस, ये थी कंट्रोवर्सी। बट उसके बाद ज्ञान भाई की एक वीडियो आती है जिसमें ज्ञान भाई अपना मतलब विद प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है, विद प्रूफ दिखाते हैं कि उन्होंने स्ट्राइक नहीं खाई, मतलब खुद 2 स्ट्राइक उन्होंने अभी खा रखे। और गैस, स्ट्राइक की बात चली रही है तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगा, मेरे खुद ये ज्ञान रिसर्च चैनल इस पर खुद एक मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक पड़ रखी है एक चैनल पे, ठीक है, वो उसका भी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। सो गाइज, यही था, मैं चुप रहा, मेरे को भी स्ट्राइक नहीं पड़ी गाइज, लेकिन ना मैंने बता नहीं थी गाइज क्योंकि सभी बता रहे मेरे को स्ट्राइक पड़ी मेरे को, तो मैंने भी बता दी कि लो भाई मेरी भी एक स्ट्राइक पड़ी हुई है, ठीक है गाइज। ये तो थी कॉन्ट्रोवर्सी, अभी मैं बता दूँ स्टार्टिंग से क्या हुआ। सो गाइज, क्या हुआ, सबसे पहले गिल्ड में आते मतलब श्रेय बहुत पहले की बात है, जब उसका चैनल पे कुछ इतना एक्टिव भी नहीं था, सब्सक्राइबर नहीं थे, सो उस टाइम पे गाइज क्या हुआ, श्रेय गिल्ड में आते हैं। गिल्ड में आने के बाद क्या करता है, ज्ञान भाई के साथ खेलता है, स्ट्रीम पे खेलता है, ठीक है गाइस, वर्सेस करता है, उसकी वीडियो अपने चैनल पे डालता है। सो गाइस, ज्ञान भाई और रेस्टर के मतलब ऐसे गेम प्ले वगैरह अपने चैनल पे डाल के ज्ञान भाई की लाइव से। सो गाइस, उसने ऐसे करते करते अपना चैनल ग्रोथ किया सबसे पहले, ठीक है। और एक टाइम पे ऐसे था कि श्रेय खुद से बोलता कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूँगा, उसी टाइम पे मैं भी बोलता हूँ ज्ञान भाई, हाँ मैं भी अपना जिस दिन मतलब चैनल ऐसे चला मैं भी अपने चैनल का नाम चेंज करके ज्ञान ऋषभ कर दूँगा, और श्रेय बोलता है मैं अपने चैनल का नाम ज्ञान श्रेय कर दूँगा, ठीक है गाइस। इतना हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि श्रेय के 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, उसने नहीं बोला मतलब उसका चैनल का नाम चेंज नहीं करा। देखते देखते 5 लाख हो गए, फिर 6 लाख, 7 लाख, 10 मतलब मिलियन हो गया। मिलियन के बाद वो सीधा बोलता है मैं नहीं करूँगा गाइस। जिस बंदे ने उसको मतलब पूरा ऐसे करियर बना दिया, समझ रहे हो, मतलब 0 to 1 मिलियन आया और वो लास्ट में सीधा मुँह बोलता है नहीं। और गाइज, ऐसे करना ही था गाइज, मेरी तरह कर लेता, मैंने भी पहले गाइज ज्ञान मतलब क्या, मेरा पहले नाम था आई एम ऋषभ, मेरे चैनल का नाम था आई एम ऋषभ, ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया ज्ञान मतलब ऋषभ गेमिंग, और उसके बाद ज्ञान भाई मिले उस दिन मैंने कर दिया ज्ञान ऋषभ गेमिंग, ज्ञान ऋषभ गेमिंग से फिर मैंने कर दिया ज्ञान ऋषभ, ठीक है। बट वो वाला मतलब बंदे में पता नहीं क्या एटीट्यूड था श्रेय के में, बट मैं समझ नहीं पाया गाइज, उसने अपने चैनल का नाम ही नहीं बदला, मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि फ़ायदे के लिए मतलब वो गिल्ड में आ गया और चैनल ग्रो करके ऐसे ही चला गया गाइस ऐसी चक्कर में, ठीक है। ज्ञान भाई ने तो प्रूफ बता दिया कि ज्ञान भाई ने कॉपीराइट नहीं मारा, बट पूरी जितनी भी मतलब फ्री फायर की ऑडियंस थी गाइस, मतलब जितने भी मतलब फ्री फायर के यूट्यूबर्स वगैरह सब ज्ञान भाई के पीछे पड़ गए कि हाँ भाई ज्ञान भाई ने स्ट्राइक मार दी, 1 मिलियन का चैनल है, पूरा डबा दिया, ज्ञान भाई की उससे जलती है, ज्ञान भाई की इससे जलती है, ज्ञान भाई की ये है, ज्ञान भाई की वो है गाइस। मतलब ज्ञान भाई ने जब मतलब अपना रीज़न बताया, जब क्या आप लोगों ने बोला कि ज्ञान भाई ऐसे गलत है, कि ज्ञान भाई सॉरी, ज्ञान भाई ये पहले क्यों नहीं बोला गाइस, अगर इतनी फैन थे गाइस, ये आप लोगों की गलती है, ठीक है गाइस, कि पहले अगर आप ज्ञान भाई को सपोर्ट करते हो तो ऐसे सपोर्ट करो ना कि ज्ञान भाई गलत हो ही नहीं सकते, और गलत हो है भी नहीं गाइस इस सिचुएशन में, ज्ञान भाई एकदम गलत है भी नहीं, ठीक है। ये जो आप सिचुएशन में देख रहे हो कि ये जस्टिस फॉर श्रेय, मतलब क्या बोलोगे, मतलब एक चैनल पे उसकी स्ट्राइक हट जाएगी, उसने तो रो धो के कर दिया, उसका सेकंड चैनल देख सकते हो गाइस, करीबन 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले उसके सेकंड चैनल पे, मतलब एक चैनल से तो फायदा ले लिया, सेकंड चैनल पे भी मतलब पूरा 3-4 लाख, मतलब 2 चैनल, मतलब समझ रहे हो, एक के साथ दूसरा फ्री, ठीक है, ऐसे कर करके उसका एक स्ट्राइक तो ऐसे ही हट जाएगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी हट जाएगी, बट ऐसे रो दो कि मैं भी बना सकता था गाइस वीडियो, मैंने बना ही नहीं क्योंकि मेरे को पता है वो 3 महीने बाद ऐसे ही हट जाएगी, बट 3 स्ट्राइक है बस 7 दिन में, समझ सकता हूँ, बट 7 दिन में एक स्ट्राइक आराम से हट जाएगी। गैन मैंने खुद बोला कि उनकी वीडियो में कि गैन भाई हटा देंगे। और ये रही बात गाइस, एक और बात मेरे को कि जो श्रेय है, ठीक है, जो श्रेय है उसके चैनल पर स्ट्राइक पड़ी, ठीक है, वो मतलब वो ऐसे बोल रहा कि ज्ञान भाई ने मारी, ठीक है गाइस, चलो एक बार को मान लिया कि ज्ञान भाई ने मार दी, बट ज्ञान भाई ने मतलब श्रेय को स्ट्राइक दी, तो स्ट्राइक मतलब देने के बाद श्रेय ज्ञान भाई के पास क्यों नहीं गया, सबसे बड़ा पॉइंट गाइस, श्रेय ज्ञान भाई के पास क्यों नहीं गया, मतलब उसको कुछ था तो ज्ञान भाई के से डायरेक्ट बात कर सकता करता हूँ ऐसे गाइस, मतलब समझ रहे हो, 0 to 2 ज्ञान भाई लेके आए, लेकिन लास्ट में आके ज्ञान भाई की मतलब पीछे लात मार के बोलता है भक्त,
मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, मतलब एक चैनल तो चला ही चला ही, साथ में दूसरा भी चला लिया, दूसरे के भी करीबन 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, 3-4 लाख सब्सक्राइबर। ये तो मतलब स्कीम आ गई ना कि एक चैनल चलाओ 1 मिलियन करो, एक बार फिर रोना धोना कर दो, दूसरा चैनल भी अपने आप चल जाएगा बिना कोई मतलब मेहनत के। अरे सिरे तेरी कसम से, तू ये वीडियो देख रहे ना भाई, मानता था तेरे को पहले, ठीक है, जिस दिन से तेरे में एटीट्यूड आया ना उस दिन से मैंने भी तेरे को मतलब बात करनी बंद कर दी थी। वो याद, मैं छोड़ इतना बोलूँगा नहीं, और कि तूने क्या क्या ऐसे राहुल वाल को क्या बोला था बोलूँगा नहीं, वो स्क्रीनशॉट सब पड़े मेरे पे जब एटीट्यूड आया था। गाइस मैं सिरे तेरे को भी हेट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि गलत इंजाम मत लगा। और गाइस ऑडियंस, जो जितने भी बंदे देख रहे हो फ्री फायर कम्युनिटी के, गाइस आप तो सुधर नहीं सकते कभी। मतलब ऐसे ज्ञान भाई ऐसे वीडियो बना देते कि सिरे ने मेरे को ये दे दिया विदाउट एनी रीज़न, ऐसे बोल देता कि हाँ सिरे ने मेरे चैनल को मतलब स्ट्राइक दे दिया, और गाइस मेरे को जस्टिस दिलाओ, मेरे को तो ये कर दो, मेरे को वो कर दो। तो गाइस आप क्या सिरे को बोलते, ए सिरे तूने उसको ये कर दिया, तूने वो कर दिया। गाइस हमेशा है ना, जब भी कोई आप अपने दिल से या फिर अपने मन से स्टेप लो ना गाइस, तो गाइस दोनों साइड की सुना करो, एक साइड की सुन के मतलब किधर भी मत जाया करो एकदम। एक बार ये भी सुनो कि ज्ञान भाई की गलती थी कि सिरे की गलती थी, ठीक है गाइस। एक मतलब कोई एक बंदा गलत है कि दूसरा गलत बात है, मतलब दोनों की बात सुन लिया करो। अगर एक बंदा ये बोल रहा है तो दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट ये बोल रहा है, तो फिर एकदम जज करा करो, हाँ भाई हमारी तरफ से ये वाला मतलब बंदा गलत है कि ये वाला गलत बंदा है, फिर जाके किसी के उधर। और गाइज मैं ये बात देख रहा था कि इंडिया के बाहर जैसे वेंसन जो स्ट्रीम कर रहा था उस पर जाके लिख रहा गाइज जस्टिस फॉर सिरे, जस्टिस फॉर, अरे तेरी भैंस की टांग, अरे क्या ही बोलो गाइज, अरे उसकी स्ट्रीम पे क्यों लिख रहे हो भाई जस्टिस फॉर सिरे। और बाद में जब ज्ञान भाई ने वीडियो डाली तो उधर ही जाके लिख रहा है सॉरी 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 सॉरी, कई की स्ट्रीम पे भाई सॉरी ज्ञान भाई, सॉरी ज्ञान भाई। ज्ञान भाई स्ट्रीम नहीं कर रहे लेकिन दूसरों की स्ट्रीम पे जाकर लिख रहे ज्ञान भाई सॉरी, ज्ञान भाई सॉरी। उधर ही 2-4 लोग लिख रहे हैं ये जस्टिस फॉर सिरे। मतलब गाइस कम्युनिटी है ना बहुत बिगड़ चुकी है गाइस, कसम से बोल रहा हूँ। जो बंदा मतलब बहुत बंदे ऐसे आए ज्ञान भाई की जिंदगी में कि ये क्या बोलते हैं, पहले अपना चैनल ग्रो कर लिया, उसके बाद फिर लात मार के चले गए, अपनी गिल्ड बना ली, चैनल वैनल चेंज कर लिया और नाम वाम चेंज कर दिया। क्या वो तो सर गाइज आप मेरे से समझदार हो, वो तो आपको मेरे से ज़्यादा ही पता होगा कि कितने बंदे आए कितने बंदे गए गाइज। और रही बात स्ट्राइक की, ठीक है, स्ट्राइक ज्ञान भाई ने अगर सिरे को दी होगी, ठीक है, तो मेरे को क्यों नहीं दी, सबसे बड़ा पॉइंट गाइज, अगर सिरे को दी तो मेरे को क्यों नहीं दी। और मेरे को ही छोड़ो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चैनल है गाइज, छोटे क्या बड़े भी चैनल है जो ज्ञान भाई की स्ट्रीम से वीडियो उठा के डालते हैं, ठीक है, गुल्लू को क्यों नहीं दी, और एक और है गेमिंग विद्रो प्रॉप कुछ ऐसा करके नाम, उसको क्यों नहीं दी, समझ रहे हो गाइज। वो तो क्या ही बोलूँ, वो तो मतलब उठा के डालता है ज्ञान भाई की वीडियो, वो तो किसी और की भी वीडियो उठा के डालता करके, उसको कॉपीराइट क्यों नहीं दिया गाइज। ऐसे छोटे छोटे बहुत क्रिएटर, बड़े भी क्रिएटर हैं जिनके लाख लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर है, बट उनको क्यों नहीं दिया गाइज स्ट्राइक। और स्ट्राइक दिया तो दिया, मतलब नहीं दिया वो मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर बाई चांस अगर दिया हो, ठीक है, ज्ञान भाई ने अगर स्ट्राइक दिया होता तो सिरे ज्ञान भाई के पास क्यों नहीं जाता कि बोलता कि ज्ञान भाई ये कॉपीराइट मार दिया एक बार, ये देख लो कि आपसे गलती से हुई है कि आपके मैनेजर ने मार दिया कि क्या कर दिया, ठीक है गाइज। अभी ये बात भी है कि सिरे फेम के लिए कर रहा है कि क्या कर रहा है गाइज, वो मेरे को कुछ नहीं पता। बाकी आप इंडियन ऑडियंस हो, आप समझदार हो, अभी ये मेरे कमेंट में मत भरना जस्टिस फॉर सिरे, जस्टिस फॉर सिरे। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं डिलीट मार दूंगा, वो सिंपल बोल रहा हूँ, मैं डिलीट मार दूंगा कोई भी ऐसे लिखेगा तो, ठीक है गाइज। बस मैं इतना ही बोलता हूँ, मैं हमेशा ज्ञान भाई को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, हमेशा राइट चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ, बस इतना ही, ठीक है। बाकी आप खुद से देख सकते हो कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ठीक है गाइस, बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जो भी करना कर लो। और हाँ, सोच समझ के गाइस, अपने दिल से सोचना, अपने मन से सोचना, दोनों साइड की सुनना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।